सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। टीम इंडिया में सिक्सर किंग के नाम से मशहूर हो चुके हार्दिक पांड्या का बल्ला लगातार खामोश है। दूसरे T20 मैच में भी हार्दिक पांड्या सोढ़ी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। बोल्ड इस तरीके से हुई कि इन्हें गेंद समझ ही नहीं आई और गेंद सीधा उनके स्टंप के अंदर घुस गई। सोढ़ी की गुगली पर पांड्या को पवेलियन जाना पड़ा और एक बार फिर से उनकी नाकामी का दौर देखने को मिला। आपको बता दें कि लगातार हार्दिक पांड्या को महेंद्र सिंह धोनी से ऊपर भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके हाथ नाकामी ही लग रही है। इस मैच में हार्दिक पांड्या को इसलिए उतारा गया था कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ एक रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। वहीं अगर पिछले मैच की बात की जाए तो पिछले मैच में तो पांड्या खाता भी नहीं खोल पाए थे और शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। वहीं अगर तीन मैचों की बात की जाए तो पांड्या ने 30, 16 और सिर्फ 25 रन की पारी खेली। यानी पांड्या का बल्ला लगातार खामोश है और जिस तरीके से वो छक्के लगाते थे अब शायद भूलते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से टीम इंडिया को उनकी नाकामी का खामियाजा भुगतना पड़ा और धोनी से ऊपर प्रमोट करने पर भी उनका बल्ला खामोशी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यहीं मिलेंगी।